नमस्कार। जहां एक तरफ देश में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है, वहीं कुछ विवाद भी इसके साथ में जुड़ा देखा जा रहा है। इसी संबंध में आज मैंने कुछ लोगों के साथ बात की है और मैं उनसे जानूंगा कि शंकराचार्यों को कुछ लोगों का कहना है आमंत्रित नहीं किया गया और शंकराचार्य जो देश के चार शंकराचार्य हैं वो इसके विरोध में हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि वो इतने बड़े उत्सव में सरकार के, देश के और राम जी के साथ में नहीं है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य प्रमोद शर्मा जी, जो लोकसभा संयोजक हैं। नमस्कार। गणेश मिश्रा जी हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के निवर्तमान उपाध्यक्ष मनीष तिवारी जी हैं। आचार्य जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो उत्सव का माहौल देश में है, लेकिन उसके साथ में शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और शंकराचार्य इसके विरोध में भी हैं, उनका कहना है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी सनातनी भाइयों को राम मंदिर जी के प्राण प्रतिष्ठा पे हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 500 वर्ष लगभग हो गए हम लोगों को इंतजार करते कि भगवान राम का मंदिर बने। मंदिर लगभग कंप्लीट है। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। रही बात जो शंकराचार्य जी की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शंकराचार्य को बुलाया नहीं गया है या शंकराचार्य का कोई मतभेद है, उनका कोई मतभेद नहीं है। हाँ, बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आई थी कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, लिहाजा अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ठीक नहीं है। परंतु अभी कल ही एक मैसेज आया श्रृंगेरी मठ से, तो वहाँ से मैसेज यही आया कि मंदिर कंप्लीट है, चूँकि जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जगह कंप्लीट है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पुजारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये आप मुझे बताएं, रामनवमी भी करीब है, क्या इसका उद्घाटन कोई ऐसा मुहूर्त है कि 22 तारीख को ही होना था या कि रामनवमी के अवसर पे किया जाता? देखिए, रामनवमी तो एक अच्छा होता ही है, लेकिन इस समय जो प्रश्न चिन्ह किया खड़ा कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य जी, वो गलत कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त शुभ और अच्छा है, और बाकी उनके लिए जो ये बता रहे हैं कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया है, इसके लिए देखिए, राम जी के जन्मोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा है, ये कोई ससुराल का निमंत्रण नहीं, इसमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए। ऐसा वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ सभी शंकराचार्य अवश्य पहुँचें और सभी लोगों से देश के अपील है कि सभी लोग राम प्राण प्रतिष्ठा में अवश्य पहुंचें और भगवान का शुभ आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। अब मैं मनीष तिवारी जी से बात करूंगा, जो समाजवादी पार्टी से हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि इस संबंध में उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रश्न उठा है उसके बारे में केवल इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है प्राण प्रतिष्ठा या अनुचित है। और सबसे पहले शब्द जो प्राण प्रतिष्ठा है ये क्या है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है, प्राण का मतलब जीवन और प्रतिष्ठा का मतलब स्थापना। तो जब किसी ईश्वर आदि या मूर्ति के विग्रह स्थापित करके उनमें हम प्राण का प्रतिष्ठापन करते हैं, यानी उनकी स्थापना करके उनमें जीवन देते हैं, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है। अब चूंकि सनातन धर्म के अनुसार हर एक कार्य मुहूर्त में होता है, और जो वर्तमान समय में हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनके मुताबिक या उनके अनुसार ये उचित घड़ी नहीं है। तो मैं उनके विचारों को पूर्णतया गलत नहीं कहता हूँ, उनके अपने तथ्य होंगे, उनके अपने विचार होंगे, परंतु मैं एक बात अवश्य जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा जाना और सीखा है, कि कोई भी मुहूर्त शत प्रतिशत सत्य और सही नहीं होता है। हर मुहूर्त में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, जैसा कि इस मुहूर्त में भी कुछ हुआ। लेकिन आप अगर महान संतों को देखें, जो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी, श्री सिंह, उनको भी देखें, तो उनके बयान में
में भी आप ये पाएंगे कि ये मुहूर्त पूर्ण रूप में उचित ना सही, लेकिन 100% से आपका 70-80% ये मुहूर्त सही है। और अगला संवत्सर क्रोधी संवत्सर है, अनादिकाल से इस राय को चलती जो आ रही है, जो विचारधारा 500 वर्षों के बाद में ये होने जा रहा है, तो क्रोधी संवत्सर में हम क्यों करें। और जो विष्णु मुहूर्त इसमें हम पा रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र जो हम पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो विचार किया गया है ये 60-70% अच्छा ही माना जाता है, 100 में 7% प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण माना जाता है, अतः ये मुहूर्त उचित है। और इसकी स्थापना के सभी राम भक्तों समेत संपूर्ण विश्व इसका साक्षी बनेगा और हम सभी लोग इस पर बहुत ज्यादा उत्साही हैं। बताओ समाजवादी पार्टी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी, आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, पुजारी जी हैं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, रामनवमी प्रत्येक घर के सनातनी व्यक्ति के घर में बनती है और मनाई जाती है। हाँ, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्भीकता पूर्वक अपने विचारों का वक्तव्य नहीं दे पाते हैं खुलेआम, जबकि पार्टी लेवल पर हमारी समाजवादी पार्टी में मैं हूं, मैं उसकी बात जानता हूं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का किसी भी प्रकार का कोई मत नहीं है। आप सभी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, वो आपका निजी अंग है, जिसके नाते मैं बहुत प्रसन्न हूं। और प्राण प्रतिष्ठा का जो माध्यम चुना गया वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना गया, इस बात का उनको भी आभार व्यक्त करना चाहिए और वो भाग्यशाली हैं। और क्यों ना चुना जाए, क्योंकि राम नाम का वक्तव्य वही बोलते हैं, राम नाम का उद्घोष वही करते हैं, और हमारा विपक्ष जो है, विपक्ष ने तो हमारे राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को भगवान ने नहीं चुना, राम का नाम स्मरण करने वाले को चुना। और बतौर समाजवादी पार्टी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शंकराचार्य ने ये कहा है कि अगर इस समय प्राण प्रतिष्ठा होती है तो देश में अनिष्ठा की जैसी स्थिति बन सकती है, भय का माहौल बन सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये सही मुहूर्त नहीं है, शंकराचार्य ने ऐसा कहा है। देखिए, शंकराचार्य जी जो है बहुत विद्वान है, उनकी बात पे टिप्पणी करना तो शायद उतनी योग्यता हमें नहीं है कि उनके विचारों पे हम टिप्पणी करें, परंतु आप देखें कि हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी 14 तारीख से ही वहाँ पहुँच गए हैं और 1008 कुंडीय महायज्ञ कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या जी में, यदि राम भद्राचार्य जी ना होते तो संभव है कि मंदिर नहीं बन पाता, क्योंकि उन्हीं के वक्तव्य से, उन्हीं के गवाही से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, तो उनकी योग्यता पे भी हम लोग संदेह नहीं कर सकते, लिहाजा वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा सही मुहूर्त पे हो रही है। जो भी शंकराचार्य जी, अगर शंकराचार्य जी पे कुछ कहना है तो इतना कहना चाहिए कि शंकराचार्य आखिर है कौन, थोड़ा सा इस पे अगर हम लोग विचार करें, क्या शंकराचार्य कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कार्यकाल के द्वारा बनाए गए शंकराचार्य हैं? अभी शंकराचार्य जी एक शायद पिछले साल ही बनाए गए और मुक्तेश्वरानंद जी खुद बने, अब वो तो शुरू से भाजपा को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को बुरा कह रहे हैं। बात यहाँ आरएसएस से, भाजपा से, किसी पार्टी किसी दल से विरोध नहीं है, विरोध करना चाहिए यदि कुछ गलत है उसका। भगवान राम सबके हैं, जितनी मानव जाति है, यहाँ तक कहा जाए कि जो हमारे मुस्लिम भाई भी लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम हैं, तो जब अन्य धर्म के लोग भी हमें कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम हैं, तो हमारे शंकराचार्य लोगों को तो ऐतराज नहीं करना चाहिए और पुनः उन्हें अपने वक्तव्य पे विचार करना चाहिए, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसमें एक चीज ये कहने आती है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भगवान राम का विरोध किया, उनको आप देखिए, एक चौपाई कही गई, बातन मन रिझाय सठ जन घालस खुल खीस, राम विरोधन उबरस सर्व विश्व अतीस, कि जिसने भी भगवान राम का विरोध किया है वो आज कहीं नहीं है, इसलिए भगवान नहीं। आचार्य जी, यहाँ पे बात विरोध कोई नहीं कर रहा है, बात उस चीज की है, क्या ये उचित समय है या
धर्म को राजनीति में जोड़ा जा रहा है, ठीक चुनाव से पहले इस तरह का मंदिर का उद्घाटन करके जो अभी पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है, तो शंकराचार्य ने जैसा कहा और लोगों का भी कहना है कि ये सही समय नहीं है। जब ये सही समय होगा, जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो सही होता है, वरना बहुत सी परेशानियां, बहुत सी कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। इस बारे में बताएं आप। देखिए, मंदिर का जो जिन्होंने ये कहा कि मंदिर पूर्ण नहीं है, क्या वो मंदिर, क्या वो बिल्डिंग से अर्थ उनका है? जहां पे जिस क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा होना है वो बिल्कुल तैयार है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और जो बिल्डिंग बनती है, भवन बनता है, ये भवन तो अभी बरसों बनेगा, क्योंकि 500 वर्षों के बाद बन रहा है, तो ये इतना छोटा भवन नहीं है कि ये दो चार महीने साल भर में बन जाए, ये बरसों में बनेगा। तो क्या हम बरसों तक इंतजार करें इसका? पुजारी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे एक बात कि क्या इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री से कराना उचित है, या कोई बड़े जगत गुरु या शंकराचार्य जी अगर इसका उद्घाटन करते तो ज्यादा अच्छा रहता था? देखिए, इसमें अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो भी करता है वो अपने पत्नी के साथ करता है, यज्ञ अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं उसमें पत्नी होना आवश्यक है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, या कोई भी वहाँ का पुजारी ही क्यों ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि पत्नी होना आवश्यक है। सनातन धर्म बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होती। नहीं नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी बड़े गुरु, जगत गुरु या किसी शंकराचार्य के हाथों होना अच्छा है, या देश का प्रधानमंत्री इस तरह से जाके वहाँ पे उद्घाटन कर सकता है? उद्घाटन करना बुरी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य और जगत गुरु हैं उनके आगे क्या प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन करना उचित है? नहीं, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जगत गुरु, शंकराचार्य इत्यादि जो धार्मिक हमारे सनातन धर्म के अन्यायी हैं, और शंकराचार्य के द्वारा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। या तो फिर सन्यासी ही करें, और या तो फिर अगर सन्यासी नहीं है, सन्यास नहीं लिया, तो फिर पत्नी के साथ करें। नहीं, पत्नी के साथ तो करें ठीक है, लेकिन बात यह आ जाती है कि जो भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहा है या जो कर रहा है, क्या वो व्यक्ति संत कहलाने योग्य है? क्या उसके कर्म, उसके विचार क्या सात्विक हैं? यदि सात्विक विचारधारा है, राम को मानने वाला है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा करा सकता है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने वहां के निमंत्रण को ठुकरा दिया है, वो नहीं जाना चाहती, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो मैं ज़रूर जानना चाहूंगा इस पर आपके क्या विचार हैं। उनको जाना चाहिए वहां पे, उसको आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, या उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है इस तरह से आमंत्रण को ठुकरा? निसंदेह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अगर मान लीजिए किसी हमारे पड़ोसी का, जिससे हमसे ना भी मन नहीं हो, अगर वो भी निमंत्रण देता है तब भी हम वहां पर चले जाते हैं और उसकी खुशी में शामिल होते हैं, और यही मानवता है। लेकिन ये निमंत्रण नहीं था, ये महानिमंत्रण था। और आचार्य जी इससे पूर्व में एक चौपाई के माध्यम से आपको बता चुके हैं, जो राम का द्रोही होता है, राम का अपमान करता है, और निमंत्रण को अस्वीकार करना एक अपमान के समान है। और इसकी आप झलक देख चुके हैं कि कई कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज किया है, और कुछ कांग्रेसी जो हैं, जबकि वो सर्वे सर्वा हैं, लेकिन बावजूद उसके एक जगह के पूर्व मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इससे स्पष्ट दर्शित होता है कि सोनिया गांधी जी की यह गलती उन पर स्वयं भारी पड़ेगी और उनकी पार्टी में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा, और महानिमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, यह गलती की उन्होंने। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अपनी टीम के साथ अभी दो दिन पहले सरयू जी में स्नान करने गए थे, भगवान राम के दर्शन किया, तो क्या कांग्रेस में तो स्वतः फूट पड़ी हुई है, वो खुद किसी के नहीं हो पा रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहें, कि वो सनातनी बन के रहें? तो जो सनातनी हैं उनको कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी से लेना देना उनको है। जैसे जो सोनिया गांधी की बात आई, तो सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हैं, अगर वो इस नाते विरोध करें कि हम नहीं जाएंगे, तो ठीक है, वो अपने धर्म को माने, नहीं आने ना आए, परंतु पूरी कांग्रेस पार्टी को, जैसे खड़गे को मना कर देना या किसी अन्य को, ये उनके लिए गलत साबित होगा।
मनीष तिवारी जी, आपसे मैं एक बात पे और जानना चाहूँगा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इतनी जल्दी क्या है रामनवमी के अवसर पे भी उद्घाटन किया जा सकता था, तो क्या वजह है कि 22 तारीख को ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है? क्या कोई शुभ मुहूर्त निकला है कि इसी तारीख में ये होना है, या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की उद्घाटन करके और जनता को अपने पक्ष में करने की कोई तरकीब है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रश्न उठ रहा है, लोग विपक्ष का नाम ले लेते हैं, विपक्ष में आखिर कौन? हमारे यहाँ तो मैं बतौर समाजवादी पार्टी, हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य पार्टी लेवल पर दिया नहीं कि ये जल्दी हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, कहीं से ये हवा उड़ती आई है, तो उस संदर्भ में भी मैं अपने ज्ञान के आधार पर ये स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि आगामी जो संवत्सर आ रहा है ये क्रोधी संवत्सर है, और जो आप कोई भी जो विपक्ष का व्यक्ति है वो इस बात को अगर जानना चाहता है तो किसी शास्त्र के महान तत्ववेदा या जानकार व्यक्ति से ये जान ले, तो आने वाले 6 वर्षों में इस प्रकार का मुहूर्त ही नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम गैर मुहूर्त में या गलत मुहूर्त में ना करके जो हमको 60-70% मुहूर्त इस समय मिला है हम उसमें कर रहे हैं, और ये पूर्णता सर्वथा उचित है, इस बात को मैं कह देना चाहता हूँ। बस, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो जैसा आपने देखा, मैंने आचार्य जी से, पुजारी जी से और मनीष तिवारी जी से, जो समाजवादी पार्टी से हैं, उनके विचार मैंने आपके समक्ष रखे, और मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि पुजारी जी ने भी बताया और मनीष जी ने भी बताया कि जो आने वाला संवत्सर है वो क्रोधी कहा जाता है, ऐसा क्रोधी संवत्सर है, तो ये सबसे शुभ मुहूर्त है और सबसे अच्छा समय है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। और जहाँ पे राम मंदिर जैसे एक बहुत बड़े प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है, तो अगर वो इस समय की जा रही है तो इससे अच्छा समय उसके लिए नहीं हो सकता है। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवि।